नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूँ काजल आपके साथ। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस नेचुरल क्वीन से मशहूर हुई साई पल्लविया विवादों में घिरती नजर आ रही है। आजकल साई अपनी आगामी फिल्म वीरता पर्वम के लिए चर्चा में है। एक्ट्रेस साई पल्लवी अपनी इस फिल्म का प्रमोशन भी जोरों शोरों से कर रही है, लेकिन हाल ही में उनकी ओर से दिए गए एक बयान के चलते साई पल्लवी विवादों में आ गई है। हाल ही में एक्ट्रेस साई पल्लवी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कश्मीरी पंडितों को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया है। ये विवाद इतना बढ़ गया है कि उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया है। आखिर साई पल्लवी ने ऐसा क्या कहा, देखिए ये वीडियो। కొన్ని రోజుల ముందు కూడా నేను ఈ కాశ్మీరీ ఫైల్స్ వచ్చింది కదా, సో కాశ్మీరీ ఫైల్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చూపించారు ఎట్లా చంపారు, ఆ టైంలో ఎట్లా అక్కడ ఉన్న కాశ్మీరీ పండిట్స్ని చంపారు, దాన్ని చూపించారు కదా. ఇప్పుడు నుంచి ఒక ఐ థింక్ కోవిడ్ టైంలో ఎవరు మీరు ఇఫ్ యూ టేకింగ్ అ రిలీజియస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ లాగా తీసుకుంటే, రీసెంట్గా ఎవరు ఒక బండిలో కౌని తీసుకెళ్తున్నారు, ఆ బండి డ్రైవ్ చేసే వాళ్ళు ముస్లింగా ఉన్నారు, సో కొన్ని జనాలు కొట్టి జై శ్రీరామ్ జై శ్రీమ్ అని చెప్పారా. సో అప్పుడు జరిగిందికి ఇప్పుడు జరిగిందికి మనకి డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉంది? సో ఇప్పుడు మనం రిలీజియస్ పేర్లో మనం మంచిగా ఉండాలి, మనం మంచి పర్సన్గా ఉండుంటే మనం హర్ట్ చేయము, అది ఒక పర్సన్ పైన ఆ ప్రెషర్ పెట్టము. సో మీరు అడిగినట్టు ఈ లెఫ్ట్ ఇస్ ద రైట్ ఇస్ అంటే ఎటుపక్క న్యాయం ఉండదు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. మీరు న్యాయంతో వెళ్ళి గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఉంటే మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో మీరు అందరూ న్యూట్రల్ అయిపోతారు. साउथ लैंग्वेज जानने वालों को साई पल्लवी का ये बयान समझ में आ गया होगा, तभी तो इतना बवाल हो गया है, लेकिन कुछ लोगों को उनकी बातें समझ में भी नहीं आई होगी। बता दें कि अभिनेत्री साई पल्लवी ने जो भी कुछ इंटरव्यू में कहा उसे लेकर लोगों में रोष नजर आ रहा है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर बयान देने के अलावा एक्ट्रेस पर गौरक्षक के प्रति विवादित बयान देने का भी आरोप लगा है। एक्ट्रेस साई पल्लवी पर केस दर्ज होने पर पुलिस की ओर से भी बयान आया है, क्योंकि साई पल्लवी ने कश्मीरी पंडितों के पलायन की तुलना मॉब लिंचिंग से कर दी है, जिसके बाद अब वो विवादों में घिर गई है। पुलिस का कहना है कि वो पहले वीडियो देखेगी, जिसके बाद ही इस पर कोई एक्शन लेगी। इसके साथ ही मामले पर लीगल ओपिनियन भी लिया जाएगा। आपको बता दें कि साई पल्लवी ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों पर दिखाए गए अत्याचारों और उनकी हत्या के सीन की तुलना मॉब लिंचिंग से की है। एक यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में साई पल्लवी ने कहा, मैं एक न्यूट्रल एनवायरमेंट में बड़ी हुई हूँ, मैंने लेफ्ट विंग और राइट विंग के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि कौन सही है और कौन गलत। गौर हो कि बजरंग दल के लीडर्स ने सुल्तान बाजार पुलिस थाने में एक्ट्रेस साई पल्लवी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। साई ने कहा, कश्मीर फाइल्स में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार दिखाया गया है। अगर आप इसे धर्म की लड़ाई की तरह देख रहे हैं तो उस घटना के बारे में क्या कहोगे? इसमें गाय से भरा ट्रक लेकर जा रहे हैं मुस्लिम ड्राइवर को पीटा गया और जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। मेरे हिसाब से इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये भी धर्म के नाम पर हिंसा है। अब इन दोनों घटनाओं में अंतर क्या है? साई पल्लवी ने आगे बताया कि उनकी फैमिली ने उन्हें हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की सीख दी है। एक्ट्रेस ने कहा कि आपको पीड़ितों की रक्षा करने की जरूरत है। साई पल्लवी ने जो भी कुछ इंटरव्यू में कहा उसे लेकर लोगों में रोष नजर आ रहा है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर बयान देने के अलावा एक्ट्रेस पर गौरक्षक के प्रति कॉन्ट्रोवर्शियल बयान देने का भी आरोप लगाया गया है। देश में हो रही सांप्रदायिक हिंसा और इस हिंसा को लेकर हो रहे धार्मिक उन्माद को रंग देकर परिस्थितियां और भी खराब होती जा रही है। साई पल्लवी ने जो कुछ कहा उसका समर्थन एक बड़ा वर्ग कर रहा है। अगर विधान एक है तो न्याय सबके लिए अलग क्यों? साई पल्लवी द्वारा दिए गए बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़।